तो ये ना नौ रूपए उसमें माता रानी के। बाप और बेटे ना लेके निकल गए। माँ की सेवा में कमी मत रखना। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है तो आप काट रहे हैं, आप उस बीज की जांच करो जो आप बो रहे हो। दिन की शुरुआत माता रानी के आशीर्वाद से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अनदर वीडियो। टुडे डे 27 of 75। हार्ड आप लोगों को पता है कि अभी नवरात्र चल रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत माता रानी के आशीर्वाद से करता हूं, तो माता रानी की जय हो। और अब करेंगे जिम में वर्कआउट। जो भी अपना उठना खाना पीना होता है वो हो चुका है, गर्म पानी पीना वगैरह वगैरह सब, अब बस जिम में लगाने बैक की एक्सरसाइज। आ चलते हैं और बैक की एक्सरसाइज पूरी करते हैं, फिर निकलेंगे बालाजी के लिए क्योंकि आज है ट्यूसडे। मैं पहुंचकर सबसे पहले रात वाला वर्कआउट किया है, इनको यहाँ से यहाँ रखना। और हमारे जिम के हाल देखो कितना गंदा रहता है, देखो मिट्टी देखो यहाँ पे। फिलहाल गाइस आज की वर्कआउट में लास्ट सेट पुशअप करा है, 4 वर्कआउट कर लिए, बैक की करने थे। अब मैं पुशअप लगाता हूँ और आज का वर्कआउट फिनिश करता हूँ, और इसका भी ये लास्ट सेट है। ठीक है मोटू, अब मैं लास्ट वाला इस पे लगाऊंगा घुटनों पे। ठीक है, रेडी रेडी। तो अभी मोटू के भी पुशअप कम्प्लीट, आज का वर्कआउट हमारा कम्प्लीट। चले मोटू खाए ब्रेड व्रेड, आज तो व्रत नहीं है ना तेरे? आज नहीं है मेरे। मोटू देखो कैसे बैठ गई, थक गई मैं, इतनी थक गई, ये इनमें ज्यादा थकती हूं मैं, मेरे आज ये बेक वाले ना वो बहुत हार्ड पड़ते हैं, ये बाहर वाले तो इससे भी ज्यादा हार्ड है, पैर उड़ने लग जाता है यहाँ पे बहुत ज्यादा। हम नादो के तो रेडी हो गए, अभी काम कर रहे हैं पानी देने का पौधों में। और आज ना देखो मोटू ने इधर क्लीन भी कर दिया, पूरा चमका दिया है, तो चमकाए हुए बाड़े को है ना अब मिट्टी उड़े नहीं, इसके लिए मुझे ऐसे थोड़ी फुहार पानी की देनी पड़ेगी। तो बाहर का काम फिनिश कराए, अब पढ़ेंगे हम भगवत गीता माता रानी के चरणों में बैठकर। तो हमारा गीता वचन कंप्लीट हो चुका है और अब आपको मैं संक्षिप्त में सार दे देता हूँ। आज हमने पढ़ा है अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। तो भगवान इसमें बात करते हैं योग विद्या के बारे में और कहते हैं कि ये योग विद्या मैंने सूर्य देव को भी सिखाई है, लेकिन अर्जुन बोलता है कि आपका जन्म तो सूर्य देव के बाद हुआ है। भगवान ने फिर वापस अर्जुन को बोला कि सुन, तेरा भी जन्म बहुत से हुए हैं, मेरे भी जन्म बहुत से हुए हैं, लेकिन तुझे याद नहीं है और मुझे सब स्मरण है। इस जब जब भी भगवान कोई अधर्म होता है ना तो जन्म लेते हैं और उनको सब कुछ पता है, हमारे जैसे इंसानों को तो याद नहीं है लेकिन भगवान को सब कुछ पता है, तो इसलिए अच्छे कर्म करो बुरे नहीं, बस यही है इसका मतलब। और आगे हम कल पढ़ेंगे। आई होप आज का ये छोटा सा ज्ञान आपको काफी बड़ा लगा होगा। जो भी वर्क था वो कंप्लीट किया है, और वर्क कंप्लीट करते रहते हैं ना मेरी आंखें सूजी सूजी हो जाती है, आपको लग रही है नहीं लग रही, देखो रेड रेड तो हो जाती है। चश्मा बनवाया था ना वो आज मिलेगा, तो आज वो भी लेके आएंगे, और आंखें तो भाई बहुत ज्यादा दर्द करने लग गई। मैं तो कंप्यूटर का काम करने के चक्कर में, मेरे ओल्ड टाइम है ना, स्क्रीन के अलावा कोई काम नहीं है। पानी का टास्क पूरा करते हैं और फिर चलते हैं। अभी अभी मैंने बंद किया है मेरे पीसी को, और इधर देखो ये टिपक पड़ी है, टिपक पड़ी पर्स लेके कि चलो चलते हैं, इतनी हिल क्यों रही है आज, चलो चलते हैं। ठीक है बता रहा हूँ। आजकल क्या हमने मिनी ब्लॉग भी शुरू कर दिया। हाँ क्या देखते तो है नहीं, कोई मतलब नहीं गाइस को बताना है क्योंकि मेरे चैनल पे जाते तो है नहीं, देखते तो है नहीं। अभी तेरे पियर गए थे तो बोल रहे थे मिलता ही नहीं है इसका चैनल। अरे यार सही से सर्च करो, सरोज रीणा के नाम से टॉप पे आ रहा है यार। पर भाई ने कितनी क्लासें ली थी ऊपर आने के लिए, बस और तो एक फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं। देखते नहीं है, झूठे हैं कि सब्सक्राइबर ऐसे बोल देते हैं, नहीं है नहीं है। तो चलो अभी तो चलते हैं, कोई झूठे नहीं है, हम झूठे हैं अभी। ऐसा कुछ नहीं, सच में चैनल है मेरा, मजाक कर रहे हैं, लेकिन लोगों का नहीं है, शॉर्ट का है बस। हाँ लोगों का तो यहाँ टिपकती है ना मेरे वीडियो में बार बार में। हाँ यही है हम दोनों का साथ में, ये है। हाँ, किसने बोला तेरा तेरा कुछ भी नहीं है ना, चल यहाँ से चल 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 निकल यहाँ से चल। और गाइस इधर नीचे मेरी औलाद को देख लो, मेरी तरह पहले तो बहुत खुश हुआ और अब मैं ना थक गया, खुश हो गए। चल एक बार होके बता दे यार, खुश हो गए बता दे एक बार। अरे यार खुशी भी तो भाई आती नहीं है यार, तुम लाइक नहीं करते हो ना, लाइक नहीं करते, सच में नहीं करते हो। हाँ जाके आते हैं, ऐसे बोल दो दादी को, मुझसे बोल दो। हाँ ठीक है समझा दिया, बालाजी के जा रहे हैं ऐसे बोल दे, जय बजरंग बली ऐसे बोल दो, जा रहे हैं हम। ओके ओके मम्मा देखो इसको। बालाजी के पहुंच गए, इस बार है ना बाइक अंदर नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है बाइक को रोकने के लिए। पानी पीने के बाद आ गई मत, कुका ने पी लिया नारियल पानी, भैया से जाते पहले नारियल पानी पिलाता हूँ इसको, है ना, मुंह साफ करो, हाथ धो, फिर पानी पियो, फिर चलेंगे बालाजी। मैं डालू, मैं डालू। सबसे पहले प्रसाद लेने की प्रक्रिया हो चुकी है, आवाज लगा रहा है मुझे। इस श्राद्धों में आए थे ना यहाँ पे भीड़ नहीं थी ना, और आज चेक कर लो, मैंने बोला था ना नवरात्रा में उठ जाएगी वापस। जय बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की जय हो। अरे उसका उतर गया, उसके बजाओ भाई आ जाओ, बालाजी महाराज की जय हो। नवरात्र में बालाजी की स्पेशल दर्शन आप भी कर लो है ना घर पे, तो मम्मा को दर्शन करवा देते हैं बालाजी की। तूने
जेजी कर वहाँ करना है अब। अच्छा। आगे के लिए बोल रहा है, देखो आगे के लिए जे बोल रहा है। हाँ बेटा समझ गए हमें। माता रानी सजीते जी, जय हो माता रानी की। आप लोग घूमो और मैं करता हूँ हनुमान चालीसा का पाठ। ओके जी। अरे वाह, बाबू और बेटे फुल एंजॉय के साथ और मिलके पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। जोर से आवाज लगा रहा, पता नहीं किसको लगा रहा है। अरे अरे किसको आवाज लगा रहा है? डेढ़ा वो बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। महिला संगीत तो मोटू के आके लेने की प्रक्रिया खत्म। बोले बालाजी महाराज की जय हो। रहे ना रहे ये जरूर रेडी रहता है जय के लिए। बालाजी की सजावट थोड़ी ज्यादा कर रखी है। ओह 12वीं लाइट लग रखी है, मतलब शाम को जलेगी है और शाम तक हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। आज तो बालाजी के धुना चल रहा है, उस पर भी अग्नि देख लो हमेशा की डबल। अच्छे से दर्शन मम्मा को नहीं पाए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ पापा को और मम्मा को सेंड कर देता हूँ। मतलब अच्छे से ऐसे नहीं हुए कि मम्मा के नेट नहीं चल रहा, बारिश आ रही बहुत तेज अपने घर पे, तो मम्मा को ये सेंड कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, पिक सेंड कर दो। हाँ हो गया दर्शन, तिलक तिलक अपना हो गया, लेकिन इसके नहीं लगा सकते। देखो यहाँ पे लगा दिया, लास्ट टाइम लगाया था ना उसका, देखो अभी निशान। मेरे तो लग गया, तेरे नहीं लगा सकते। पता नहीं क्या कमल के फूल है कि तू एलर्जी तुरंत। कमल का फूल है ये देखो। फिलहाल ना अपने बालाजी के दर्शन हो गए, रह गई पीछे उनको प्रसाद और कुछ देने के अंदर। हमारे तो बालाजी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और पता नहीं नन्ना भूख लग गई या क्या हुआ। नन्ना तेरे को भूख लग गई क्या है? ये ख्वाहिश के अनुसार दो बिस्किट के पैकेट ले आया हूँ। देख रहे हो कैसे खिला रहे ढोगी को बिस्किट, बुला रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पकड़ देख रहे हो, खिला दो थोड़ा काऊ को खिला दो। ये देख छोटा सा बच्चा। अरे डोनू 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 डोनू, अरे डोनू डोनू। नहीं इसको इसको समझो, जे जे कैसे करते हैं इसको बताओ। ऐसा करते हैं ठीक है। पुलिस चौकी भी यहीं घूम रही है आज तो। कुछ भाई करना तो आराम से कर लियो। अरे मेरे चितू को कुछ ना कुछ चाहिए यार, इसका दिमाग चालू है अभी। क्या चाहिए इसको? सब चाहिए जो दिख रहा है वही देखे देख लेंगे। अभी सामान नहीं छोड़ता यहां, क्या नहीं इसको दिला के लेके जाऊंगा कुछ ना कुछ तो। अच्छा तो यहाँ पे फूल पसंद आ गए, बोल रही मैं तो लूंगी घर को सजाने के लिए। ले लिए क्या? अरे यार ले लिए इसने तो। ये चाहिए तुझे? चाहिए बाबा और बेटे के बीच में डिस्कस चल रहा है कि क्या चाहिए। ये चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा ऐसा पकड़ने नहीं, हाँ या ना बोल। चाहिए इसको ना, दूसरा और दिखो कौन सा चाहिए। देखे ये चाहिए देखे सर। अरे उधर फुटपुटी बोल गई ना, अपनी नहीं है बेटा वो, अपनी नहीं है, टेंशन ना ले। तो चाहिए ये चाहिए चाहिए ठीक है भैया। बाप और बेटे ना लेके निकल गए। इसको देखो कैसे पकड़ रखा है, मेरे हाथ नहीं लगा रखा बिल्कुल भी। चीतू की पेंगुइन को पुश किया जा रहा है अभी क्योंकि बैग में नहीं आएगा। चीतू का पेंगुइन हुआ पुश। ये लो बेटा, बेटा ये तेरा। अब मिले ना इसको, ये ऐसी हालत कर दी आपने तो इसकी। अरे काम दे देगा। यहाँ से हमने एक फिक्स की है माता रानी की तस्वीर। नौ रूपए नौ रूपए वाली माता रानी। अब खरीद रहे हैं हम चप्पल, दो ही ऑप्शन है क्या? ये ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। साइज देखो, साइज पहन के देख लूंगा फाइनल तो कर। पहले ले लिए काफी सारे सामान, सोचा था कुछ नहीं लेंगे और ले लिए इतने इधर इतने इधर। तो हम लोग ना जाने के लिए रेडी हो गए, बस मोटू के लिए आफत पैदा कर दी मैंने ये लेके। और तो यार पकड़ना भारी, कुकू को संभालना भारी है, कुकू को संभालना भारी है सबसे। ये देखो ये बंदर है ना बीच में। अच्छा चल रहे रुक जा, तो देख लो इसका दूध इधर आ गया। अब इसको वापस से दूध को इधर करवाना है। इसका दूध मेरे दूध से भी महंगा पड़ रहा है अभी तो। मेरा दूध और 40 रुपए लीटर आता है, इसका 108 रुपए लीटर अभी हो गया इसका दूध का लेवल ऊपर। और तो मिले ना मिले, लेकिन आते और जाते ट्रेन जरूर मिलती है। और बादल देखो कितने प्यारे हो रखे हैं आज। अब काले बादल हो गए हमारे गाँव की तरफ, तो बारिश भी हो चुकी है हमेशा की तरह। मम्मा के लिए पानी पूरी और हमने तो भाई छोड़ दिए, उजीण दिए उजीण दी। अभी आया हूँ चश्मा लेने फुलेरा में, लास्ट काम। तो हो गए अपने दोनों चश्मे रेडी। ये तो ऐसे एक्स्ट्रा पहले का ही है, ये तो पहले का फ्रेम का जो अपन ने। और ये नया वाला लगाओ। कैसा क्या लगा फेस पे? दिख भी नहीं रहा बिल्कुल भी। ये लगवाया इस बार ड्राइव एक्स का लेंस। चलो भैया थैंक यू। ओके बैग में डालना पड़ेगा यार, पूरी दिन रखती नहीं है। सही काम है भैया, चश्मे तो ले आया। मोटू इनको भी डाल। देखो हमारे पास सामान, देखो एक बार ये सबसे मोटा सामान है ये वाला बीच वाला। मिलेंगे सीधा घर चल के, क्योंकि वर्कआउट के लिए भी निकलना बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। फिलहाल पहुंच चुके हैं घर, आ गए मम्मा सामान लेने। और भाई देखो बाइक पे पकड़ के रहने के चक्कर में हाथ कैसा हो गया। ऐसा ठीक लग रहा है मेरे को हाथ, बस ऐसा ऐसा करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं रहा है। इसने परेशान कर दिया, देखो इसने सबसे पहले आते ही मम्मा को सामान दिखाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मम्मा कैसे लगे बताओ? बहुत अच्छा। सही बताओ सच्ची में, मजाक मत करियो। देखो मोटू ने पसंद किए थे वहाँ पे, है ना मिट्टी धूल उड़ रही थी सारे दिन से। तो ये कहाँ गिरा दिया उसका? अरे गिरा नहीं है मम्मा, ये
ये ना ये ऐसे टॉप पे है, ये टॉप पे है, वो नीचे चला गया। मेरा निन्नू का है क्या? अच्छा चिड़िया है। और मम्मा तो आते ही पहले निन्नू का आइटम ठीक करने में लग गए। पेंगुइन, पेंगुइन जो समुद्रों के पास रहते हैं ना वो वाले। और मम्मा सबसे प्यारी चीज ये माता रानी। हाँ ये भी नहीं कर पे। हाँ आ गई ना, नौ रूप है ये। तो अभी मोटू ने गुलाब जल और गंगा जल से तस्वीर को नहला दिया है, स्नान करा दिया है और अब करेगी स्थापित। कर दिया मोटू। माँ की सेवा में कमी मत रखना। अब खाते हैं खाना, खाते हैं खाना, खाते हैं खाना। समझ गई बस। अब मेरी बेटी को जो आज डायपर पहना के लेके गई थी ना, पूरा सेफ है, वापस रख देते हैं इसको। बहुत डेंजर बॉय है यार ये। गाइस ऐसा गिटार कौन बजाता है? मस्त ट्यून है ये। वही बात, तार नहीं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स नहीं दिखते। भाई अभी चल रहा है अपना टाइम मैनेजमेंट और आज पढ़ेंगे हम दूसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। गाइस हम पढ़ तो रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है गाइस, सच में यार। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी अड़म धड़म भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है सच्चे में, पूछो मत। गाइस किस किस की भाग दौड़ की जिंदगी, कमेंट करके जरा बताना, थोड़ी शांति तो आई है कि हाँ ठीक है हमारे साथ किसी और की भी है। फिलहाल अभी है ना अपना दूसरा सिद्धांत आज का आर्थिक लक्ष्य खत्म हो चुका है। जो इसमें लिखा हुआ है ना उसको शॉर्टकट में बताता हूँ। अमीर बनने का मतलब है आपके पास पैसा होना, और बेहद ज्यादा अमीर होने का मतलब है आपके पास समय होना। सोचो समय इतना कीमती है। और एक लाइन ये भी है कि आप है ना जो करना चाह रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग चलो। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं तो आप उस बीज की जांच करो जो आप बो रहे हो। बात है कितनी शानदार बात है। तो इसी के साथ आज वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक का बटन आ रहा है वो दबा देना। और अपना टाइम कहाँ जा रहा है आपका, कितना मैनेज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, या आप कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हो, क्या आप भी हमारी तरह से बिजी 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 रह रहे हो, तो कमेंट में जरूर बताना। चलो मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज, बाय।